नमस्कार बच्चों। तो हम लोग देख रहे थे बेटा संजीव दयाल की बुक से लिमिट के क्वेश्चन लगा रहे थे, है ना। और बहुत ही अच्छी बुक है बेटा, यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है ना। तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इसमें सेवन तक ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर दिया था। अब आते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर एट से कवर करने की कोशिश करते हैं। एट में क्या दिया बेटा, तो एट में दिया है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई की पावर सिग्नम एक्स। तो फिर से आपको पहले चेक करना है, अभी तक देखो अभी तक क्या क्या कंक्लूजन निकला। उछल कूद करने वाला कौन नहीं है ये पहले आपको पता करना है। सर टैन एक्स उछल कूद नहीं करता, स्मूथ चलता है ना। टैन एक्स जैसा कि आपने देखा बेटा, टैन एक्स कहाँ से कहाँ जाता है, टैन इनवर्स एक्स इस तरह से होता है बेटा इसका ग्राफ, है ना। कहाँ से कहाँ तक, प्लस पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक, है ना। यही होता है रेंज इसका, कहीं पर भी तुम देख लो जहाँ पे उछल कूद मचाया उसने, है ना। तो ये उछल कूद नहीं मचाता, हाँ टैन एक्स जो है उछल कूद मचाता है। टैन एक्स कैसे उछल कूद मचाता है, तो देख लो यहाँ पे इस तरह का सिचुएशन में क्या होता है, ये पाई बाई टू के जस्ट पहले ये यहाँ पे था, पाई बाई टू के जस्ट पहले यहाँ पे था। तो उछल कूद जब भी बोले तो इसका मतलब ये समझना। तो अभी से दिमाग में फिट करते जाओ, है ना, बहुत बार आएगा आगे, तो जैसे जैसे मैं बोलता हूँ बस वैसे वैसे फिट करते जाओ दिमाग में। तो एक तो देखा था एल एन एक्स, ये भी उछल कूद मचाने वाला नहीं, हाँ ये बोलता क्या है कि मैं निगेटिव के लिए डिफाइन नहीं, ठीक है। तो बाकी कहीं भी तुम देख लो ऐसा नहीं कि सडन जंप हुआ है वैल्यू में, हाँ ये निगेटिव के लिए डिफाइंड वाले नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। हाइपरबोलिक में भी बेटा उछल कूद मचाने वाला ये भी नहीं है, हाइपरबोलिक में टैन इनवर्स के जैसा ही होता है, बस इसमें माइनस वन से कहाँ होता है प्लस वन, बाकी टैन इनवर्स के जैसा ही ग्राफ होता है, ठीक है। उछल कूद कौन मचाता है, तो सिग्नम वो भी कहाँ पे सर, सब जगह मचाता है क्या, तो नहीं सब जगह तो नहीं मचाता, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मचाता है उछल कूद, जीरो पे, मतलब जीरो पे। यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अलग से एल एच एल अलग से आर एच एल निकालेंगे, जब भी इस तरह का सिचुएशन आएगा अलग से निकालेंगे, ठीक है। जब भी इस तरह का सिचुएशन आएगा अलग से एल एच एल आर एच एल अलग से निकालेंगे, एक साथ नहीं निकालेंगे, क्वेश्चन को एक साथ डील नहीं करेंगे। तो अभी तक तो ये आपने सीखा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का भी बेटा, जैसे एक्सपोनेंशियल आया था तो एक्सपोनेंशियल का भी आपको ध्यान होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, तो सिंपली सर एक्सपोनेंशियल का ऐसा होता है ये भी उछल कूद मचाने वाला नहीं है, सडन जंप कहीं पे भी देखने को आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक तो ये भी देखना इसमें भी आसानी से, तो अभी तक जो मिला है मुझे इतने क्वेश्चन किए हैं, तो उछल कूद मचाने वाला कौन है, उछल कूद मचाने वाला सिर्फ सिग्नम में, वो भी कहाँ पे बेटा, सब जगह क्या, तो नहीं सर जीरो पे। तो जब भी सिग्नम में लिमिट जीरो आ जाना तो वहाँ पे एल एच एल आर एच एल अलग से निकालो, अदरवाइज क्या करो एक साथ दोनों वैल्यू निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हम लोग देखे थे यहाँ तक, इतना कंक्लूजन आपको ध्यान में रखना है ना धीरे धीरे, है ना, तभी आपको क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। चुटकियों में करना है हमको, है ना, क्वेश्चन को मतलब लेंदी मेथड से नहीं करना है, आसानी से करना है। तो चलिए अब इस पे आते हैं। तो इसमें क्या दिया बेटा, ई की पावर सिग्नम एक्स, ठीक है सिग्नम एक्स। अब फिर से सोचना है कि क्या लिमिट कितना है, सर एक्स टेंस टू जीरो, क्या ये उछल कूद मचाएगा, सिग्नम एक्स लगाओ, आंसर इज यस। जीरो से जैसे ही ज़्यादा लोगे सर, मुझे पता है कि सिग्नम की वैल्यू जो है वो प्लस वन आ जाती है, एंड जीरो से जैसे ही कम लोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो सिग्नम नेगेटिव होने पे माइनस बन जाती है। इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, एक साथ निकालना चाहिए अलग अलग, तो सर अलग अलग निकालेंगे आप, तो अलग अलग निकाल लिया, ठीक है। तो अलग अलग रखा बेटा, ई की पावर कितना आ जाएगा, पहले जीरो माइनस रखा, एल एच एल का मतलब जीरो माइनस रखा है ना, तो एस जी एन क्योंकि लिमिट यहाँ पे जीरो है ना, तो इससे थोड़ा सा कम रखा तो जीरो माइनस हो जाएगा ये। तो क्या आएगा बताओ यहाँ पे, ई की पावर, अब तुम्हें पता है सिग्नम में नेगेटिव आते हैं क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू माइनस वन, ये माइनस वन अप्रॉक्सीमेटली या एग्जैक्ट माइनस वन होता है। सिग्नम यही तीन वैल्यू रखता है, माइनस वन जीरो प्लस वन, यही तीन वैल्यू रखता है, और ये अप्रॉक्सीमेटली नहीं होता, ये एग्जैक्टली होता है। यहाँ पे ये अंदर भले अप्रॉक्सीमेटली रखा है आपने, बट सिग्नम में जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्टली आएगी, ये मतलब समझना है ना। तो ये आ जाएगी कितना, वन बाई ई। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ ये आपको समझ में आएगा, एग्जैक्टली का डिफरेंस आपको समझ में आएगा, एग्जैक्टली एंड अप्रॉक्सीमेटली का डिफरेंस क्या होता है आगे आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखते हैं, राइट हैंड आर एच एल निकालो बेटा, तो सिग्नम क्या रखोगे आर एच एल में, जीरो प्लस रखोगे, जीरो प्लस पे क्या हो जाएगा बेटा, ये जीरो प्लस रखते हैं ये पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव में सिग्नम की वैल्यू कितनी हो जाती है, वन हो जाती है, तो ई की पावर सिंपली वन, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया ई। तो यहाँ पे देख लो आप, एल एच एल आर एच एल एग्जिस्ट तो कर रहा है, फाइनाइट भी है बट अनइक्वल है, तो लिमिट हम लोग क्या बोलेंगे,
डज नॉट एग्जिस्ट, बट LHL पूछेगा तो बोलेंगे 1 बाई, RHL पूछेगा तो बोलेंगे E, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए बेटा यहाँ पे कर लेते हैं, बेटा ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम ही है, बस मॉड लगाना है, मॉड का डिफरेंस है। चलो इसी में हम लोग कर लेते हैं ऊपर, यहाँ पे आप क्या करो मॉड लगा लो, मॉड लगाओगे बेटा तो क्या होगा बताओ, ये मॉड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मॉड, अब मॉड की प्रॉपर्टी आपको पता है कि जैसे मॉड टू है, मॉड से हमेशा पॉजिटिव बाहर निकलता है, बस इतना ध्यान में रखो, मॉड टू है तो इससे प्लस टू बाहर निकलेगा, जैसे मॉड के अंदर माइनस टू है तो इससे भी प्लस टू बाहर निकलेगा। तो इन जनरल अगर मॉड एक्स है, अगर एक्स पॉजिटिव है तो मॉड से बाहर एक्स निकालोगे, और अगर एक्स नेगेटिव है बेटा तो एक्स नहीं बाहर निकालोगे, क्योंकि ये एक्स नेगेटिव है तो माइनस लगाओगे तभी ये पॉजिटिव होगा, माइनस माइनस पॉजिटिव, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे सोचो मॉड के अंदर माइनस वन है तो क्या हो जाएगा, ये ए की पावर प्लस वन, तो इस बार रिजल्ट वन बाई ई नहीं आएगा, इस बार रिजल्ट ई आएगा, ठीक है। और RHL में भी तुम यहाँ पे मॉड लगाओगे तो ये तो ऑलरेडी पहले से वन था, तो ए की पावर प्लस वन ही रहेगा, तो इस बार ये वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, वन ही। तो इस बार क्या हुआ, LHL एंड RHL दोनों मैच कर गए, सेम हो गए, तो इस बार हम लोग क्या बोलेंगे कि LHL RHL इक्वल है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो लिमिट इस बार क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया, लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ई आ जाएगी दोनों की, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है सर, लिमिट HGN। अब देख बेटा फिर से सिग्नम आ गया उछल कूद मचाने वाला, LHL RHL अलग अलग निकालना है, सिंपल एकदम, क्योंकि लिमिट भी तो जीरो है ना टेंस टू, और जीरो पे ही उछल कूद मचाता है। तो चल LHL के लिए क्या रखेंगे सर, जीरो माइनस, तो चल यहाँ पे रख ले HGN जीरो माइनस रखेगा, ऊपर में क्या रखेगा बेटा E की पावर क्या रखेगा, जीरो माइनस, बहुत बढ़िया सर जीरो माइनस रख लिया, तो क्या आएगा बेटा इसका वैल्यू, सिंप्लीफाई करोगे तो इसका वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा HGN जीरो माइनस, HGN के अंदर नेगेटिव आता है तो नेगेटिव में क्या होगा माइनस वन, एग्जैक्टली माइनस वन ही है, यह ध्यान रखना। एंड E की पावर जीरो, अगर एग्जैक्टली जीरो होता बेटा तो E की पावर एग्जैक्टली वन आता यहाँ पे, लेकिन सोचिए एग्जैक्टली जीरो है क्या, तो नहीं, जीरो माइनस है ना, तो सोचिए वन आएगा क्या एग्जैक्टली, तो आंसर इज नहीं, हाँ लेकिन वन को अप्रोच करेगा, है ना, मतलब एग्जैक्टली वन नहीं हो सकता, वन को अप्रोच करेगा, वन को अप्रोच करेगा मतलब तो क्या होगा, फ्रैक्शन ही होगा ना कोई ना कोई। अब तुम सोचो जैसे 0.98 आया, जैसे 0.99 आया, है ना, जीरो माइनस है तो ऑब्वियसली तुम रखोगे तो फ्रैक्शन ही आएगा। अब तू सोच नेगेटिव की पावर फ्रैक्शन क्या डिफाइंड है, तो आंसर ही नहीं सर, एग्जैक्टली वन होता ना तब कोई दिक्कत नहीं था, नेगेटिव की पावर इंटीजर आ जाए ना तब कोई दिक्कत नहीं सर, जैसे माइनस वन की पावर टू आ जाए तो मैं लिख दूंगा क्या प्लस वन, माइनस वन की पावर थ्री आ जाए तो मैं लिख दूंगा क्या माइनस वन, कोई दिक्कत नहीं है ना, मगर फ्रैक्शन आ जाए यार माइनस वन की पावर 1.2, तो इसका मतलब क्या हुआ, कैसे निकालोगे, तो नेगेटिव को कितना बार मल्टीप्लाई करना है 1.2 बार, तो क्या लिखोगे पॉजिटिव लिखोगे नेगेटिव लिखोगे, इसका मतलब तो कोई नहीं, यहाँ पे तो नेगेटिव को दो बार मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव को तीन बार मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव आ गया, अब नेगेटिव को 1.2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा पॉजिटिव, मुझे नहीं पता है ना, तो यहाँ पे रियल नंबर तो नहीं देगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, अनडिफाइंड ये, है ना, तो यहाँ पे LHL हम निकाल ही नहीं सकते, है ना, तो LHL यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा अनडिफाइंड, यहाँ पे LHL हम निकाल नहीं सकते, क्लियर है, फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है उस कंडीशन में। सर इसके पहले भी तो आपने किया था, कहाँ पे किया था बेटा, देख इसके पहले इसमें किया था, तो इसमें एग्जैक्ट बना रहा था देख सिग्नम में, तो वही बता रहा हूँ मैं, माइनस वन की पावर एग्जैक्टली माइनस माना जाए तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, तुम इसको क्या लिखोगे वन बाई माइनस वन की पावर एग्जैक्टली प्लस वन, तो ये तो सिंपली माइनस माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, तो अंदर निगेटिव तब भी चलेगा, दिक्कत कब है जब फ्रैक्शन हो जाएगा, तो इसके इसमें क्या आ गया फ्रैक्शन आ गया, तेले चलीज नॉट डिफाइंड, जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए तेले चलीज नॉट डिफाइंड, तो क्या RHL सर, RHL निकालते हैं देखते हैं, RHL क्या लिखोगे बेटा, तो देख ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा हूँ मैं, सिग्नम जीरो प्लस रखोगे, जीरो प्लस रखा, ऊपर में क्या आ जाएगा बेटा इक्की पावर जीरो प्लस, इक्की पावर जीरो प्लस, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो, ठीक है लिमिट था एक्सटेंस टू जीरो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, इसको क्या लिखोगे तुम, सिग्नम के अंदर पॉजिटिव आते हैं क्या आ जाएगा प्लस वन, एग्जैक्टली है ये, या ध्यान रखना सिग्नम में एग्जैक्टली आता है, तीन वैल्यू कैरी करता है माइनस वन जीरो वन, ये मैं बार बार बोलूंगा अभी, ठीक है आगे फिर बोलना छोड़ दूंगा, ई की पावर जीरो प्लस है बेटा, मतलब जीरो से थोड़ा सा ज्यादा है, अगर एग्जैक्टली जीरो होता तो ये एग्जैक्टली वन आता, जीरो से थोड़ा सा ज्यादा है मतलब वन पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब लगभग वन, फिर से ये फ्रैक्शन है बट यहाँ नेगेटिव नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे लगभग कितना आएगा वन की पावर वन, लगभग कितना आएगा वन, तो कोई दिक्कत नहीं है, RHL यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है,
एलएचएल तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, तो आरएचएल एग्जिस्ट कर रहा है, बट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम लोग लिमिट भी क्या बोलेंगे, लिमिट इज वॉट 1। तो ये आपको यहाँ पे समझना होगा। तो लिमिट यहाँ पे क्या हो गया, 1। एलएचएल भले एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट आरएचएल तो कर रहा है, ठीक है, एंड फाइनाइट भी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है एंड इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो यहाँ पे ये आपको समझना है, ये बहुत ही बारीक सा कंसेप्ट है ना, मतलब बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता, हवा में उड़ जाते हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से, फिर आगे देखेंगे हम लोग, है ना।